नीतीश कुमार के निश्चय संवाद में क्या रहा खास? दूसरे चरण के 46 कैंडिडेट के नामों का ऐलान करने वाली बीजेपी ने किन दिग्गजों को किया निराश? पेश है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का कैप्सूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को निश्चय संवाद के जरिए 6 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों और कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। अब सीएम 14 अक्टूबर से चुनावी प्रचार के लिए निकलेंगे। ये फिजिकल चुनावी प्रचार होंगे। हर दिन करीब 4 फिजिकल चुनावी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। 12 और 13 अक्टूबर को वो वर्चुअल माध्यम से ही प्रचार कर रहे हैं। 2 दिनों में टोटल 35 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य है। आज के निश्चय संवाद के दौरान सीएम नीतीश ने कोरोना दौर में किए गए कामकाज को गिनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना दुनिया भर की समस्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा से पीड़ित परिवारों को 6000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से की गई है। 1312 करोड़ रुपए पीड़ितों को पहुंचाया गया है। वहीं 970 करोड़ रुपए किसानों को देने के लिए भी स्वीकृति ले ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने तर्ज किया कि पहले कोई भी आपदा पीड़ितों की मदद नहीं करता था, हमने ये काम शुरू किया है, योजनाएं बनाई है। गठबंधन और टूट के बीच अभी भी पार्टियां वोटर्स को सफाई देने की कोशिश में जुटी हैं, ताकि वोटिंग के दौरान वोटर कंफ्यूज ना हो जाए। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने साफ कहा है कि बिहार में एलजेपी से बीजेपी का कोई मेल नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे गठबंधन में जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी है, कोई और पार्टी शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही 4 दलों के गठबंधन के नेता हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। आरजेडी ने भी चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। मंगलवार को तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक साथ समस्तीपुर के रोसड़ा की रैली में हुंकार भरेंगे। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नॉमिनेशन के लिए हसनपुरा जाएंगे, उसके बाद रैली होगी। तेज प्रताप यादव इस बार समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वैशाली जिले के महुआ सीट से चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार चुनाव में उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण विनोद सिंह लंबे समय से बीमार थे। विनोद सिंह की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। उनकी पत्नी निशा सिंह को पहले ही बीजेपी ने प्राणपुर से विधानसभा चुनाव का टिकट दे रखा है। 2015 में प्राणपुर से विनोद सिंह तीसरी बार जीते थे। विनोद सिंह के निधन पर अमित शाह, जेपी नड्डा ने शोक जताते हुए ट्वीट किया है। वहीं नीतीश कुमार ने भी वर्चुअल संबोधन के दौरान शोक जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपने 46 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें हाईलाइट ये है कि बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे अपने बेटे अजित शाश्वत को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला है। भागलपुर विधानसभा सीट अश्विनी चौबे की परंपरागत सीट रही है। यहां से सांसद बनने से पहले वो यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2015 के चुनावों में अश्विनी चौबे बेटे अर्जित को ये सीट दिलाने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनकी हार हो गई थी। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था। इस बार बीजेपी ने भागलपुर के जिला अध्यक्ष सुनील पांडे को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं कांग्रेस से 3 बार मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्रा को बीजेपी ने झंझारपुर विधानसभा सीट से कैंडिडेट घोषित किया है। इस सीट से नीतीश मिश्रा 3 बार जेडीयू के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी से लड़े थे और हार गए। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश मिश्रा पर भरोसा जताया है।